हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि कल की वीडियो से आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीख लिया हो। लगभग लगभग वो क्लैरिफिकेशन हो गई होगी हर आइटम से रिलेटेड आपको। बट फिर भी, क्योंकि मैंने कल आपको कहा था कि एक दूसरे तरीके से भी मैं आप लोगों के सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को प्रेजेंट करूँगा, तो आज मैं उसी दूसरे तरीके को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। टॉपिक आपको पता ही है कि अभी हम एनपीओ के ही चैप्टर में हैं, तो प्रेजेंटेशन अभी भी एनपीओ के ऊपर है। एनपीओ में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं। ये इसकी टाइप सेकंड है, क्योंकि हम टाइप फर्स्ट कर चुके थे। इसको मैंने बस दूसरे तरीके से प्रेजेंट करने में ये ही किया है कि अब की बार मैं क्वेश्चन साइड में रख रहा हूँ, और साइड में रखते रखते ही मैं आपको पूरे क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको साथ में याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि हर कैलकुलेशन अब वहाँ पर नहीं हो सकती। तो आप लोग देखिए और फिर मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा सूटेबल लगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लगा। ये मेरा चैनल है, इसको पर जाकर आप सारी मेरी वीडियो देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को उन्हीं चार पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। एक कैपिटल रिसिप्ट है, इन सारी आइटम्स को मैं कल आपको बता चुका हूँ, तो इनको मैं आपको अब दोबारा रिपीट एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहता, आप उनमें जाकर देख सकते हैं। तो चार पार्ट जो हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, उसमें सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट होती हैं, फिर कैपिटल पेमेंट्स होती हैं ये, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट आता है। ये दोनों रिसिप्ट साइड में मिलेंगी, और कैपिटल पेमेंट और रिवेन्यू पेमेंट आपको जो हमारी पेमेंट साइड है वहाँ पर मिलेंगी। तो ये डिटेल में मैं कल समझा चुका हूँ, तो आप उस वीडियो में जाके इनको दोबारा से, अगर आपको डिटेल में इनकी नॉलेज गेन करनी है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो इस साल CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में आया था, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक 3 मार्क्स का आया था और बाकी जो थे वो 1 मार्क्स के आए थे। तो अभी हम जो है उसमें से वो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको देखते हैं वो कैसे था। तो ये प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अब इसमें सिर्फ हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रिपेयर करवाया था CBSE ने, ये वो क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमें कहता है कि फ्रॉम द गिवन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया था, और ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन थी। क्या था इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, पहले रिसिप्ट साइड को देखते हैं। बैलेंस BD दिया हुआ था कैश का, डोनेशन 44 की थी, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 2000 का था, सब्सक्रिप्शन दे रखी थी ईयर वाइज। ठीक है, तो कल जो हमने किया था उसमें ये ईयर वाइज सिस्टम नहीं था, तो आज ये ईयर वाइज सिस्टम है। इस बेस पर इतना टोटल रिसिप्ट हुआ था हमें सब्सक्रिप्शन का, और एंट्रेंस फीस जो है 1,20,000 थी। पेमेंट साइड में आऊँ तो फर्नीचर था, जो ये फर्नीचर परचेज हम कर रहे हैं, फर्नीचर हमें नीचे भी मिलेगा, पर ये फर्नीचर अभी हमने 1 दिसंबर 2018 को परचेज किया है। तो ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली है आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस फर्नीचर पर, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। सैलरी 1,00,000, सेक्रेटरी ऑनरेरियम 4,000, बुक्स 44,000, बैलेंस CD 15,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्या बताती हैं, वो बताती हैं कि 1 अप्रैल 2018 को क्लब के पास ये बैलेंसेस थे। फर्नीचर 1,00,000 का था, देखो इतना परचेज किया और इतना ऑलरेडी था, तो ये 1,00,000 तो हम पूरे साल यूज़ करेंगे, तो इस पर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, उस पर जितने महीने मैंने उसको यूज़ किया वो। सब्सक्रिप्शन इन एयर, इसका मतलब ये लास्ट ईयर का क्या था, आउटस्टैंडिंग था, तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है 2000। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि इस 2000 में से मुझे जो अभी मिला करंट ईयर में वो 1600 है। That means 400 still outstanding है। ठीक है, तो इसकी जब सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट करेंगे तो हम सीखेंगे।
नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो 6,000 है, वो सैलरी में प्लस हो जाएगी। क्लब के पास 75 मेंबर है, हर मेंबर 1,000 रुपीज दे रहा है, तो क्लब के पास एक साल में 75 × 1,000 75,000 आना चाहिए। करंट ईयर में जाकर देखूं मैं तो मुझे सिर्फ 60,000 मिला, दैट्स मीन्स करंट ईयर का 15,000 आउटस्टैंडिंग है। तो ये आप लोगों को मैं इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास स्पेस की शॉर्टेज है, तो आप उन चीज़ों को उस समय अप्लाई कर पाओ। अब डेप्रिशिएशन फर्नीचर का 10% था, तो इन दोनों ही अमाउंट पर 1,00,000 पर भी 10%, क्योंकि ये पूरे साल यूज़ किया है तो 10,000 पूरे साल का बैठता है। ये जो है सिर्फ 4 महीने यूज़ किया है, पूरे साल का 12,000 बैठता। अब क्योंकि 4 मंथ ही इसका यूसेज हमने किया है, दैट्स मीन्स ये 1/3 हो जाएगा सीधा। तो 12,000 का 1/3 कितना होता है, 4,000। तो 10 इस पर और 4 इस पर, टोटल डेप्रिसिएशन 14,000 बैठता है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम इसको पेपर में अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे, बन गया। इसमें आप सिर्फ एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सबसे पहली चीज उठाते हैं वो सब्सक्रिप्शन से संबंधित ही है। तो 75 मेंबर थे, 1,000 है ये, 100 नहीं है, इसको आप, मैं करेक्ट कर लूँगा, आप देख लीजिए इसको 1,000 क्योंकि ये रहा 1,000। तो टोटल अमाउंट आ गया 75,000, ठीक है। तो ये करंट ईयर में मुझे मिलना चाहिए। अब इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है, इस 75,000 में से मैं जितना मुझे मिल गया वो माइनस कर दूंगा 60,000, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आ गया। करंट ईयर मतलब 2018 और 2019। अब अगर मुझे पूरे आउटस्टैंडिंग एंड निकालना पड़े, क्योंकि बिगनिंग तो हमारे पास है, अगर एंड निकालना पड़े तो ये 15,000, एक तो ये प्लस, देखो बिगनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था 2,000, कितना मिला 1,600, कितना स्टिल आउटस्टैंडिंग है 400, टोटल कितना हो गया 15,400। तो इस तरीके से हमने आउटस्टैंडिंग एंड निकाल लिया, और जब आउटस्टैंडिंग एंड निकल गया तो फिर हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को प्रिपेयर कर दिया। बैंक अकाउंट में इतना जाएगा जितना मुझे टोटल रिसीव हुआ 66,600। 15,400 जो है हमारा आउटस्टैंडिंग एंड है, तो वो आउटस्टैंडिंग एंड के रूप में लिख दिया गया। और जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था वो 2,000 यहाँ था, वो 2,000 यहाँ पहुँच गया। ये बैलेंसिंग फिगर है तो ये बाद में निकलती है, पहले आप ये लिखोगे एडवांस को। ये एडवांस कहाँ से मिलेगा आपको, अंदर से। देखो ये लिखा हुआ 19-20, दैट्स मीन्स ये नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, तो ये आउटस्टैंड एडवांस है एंड का, तो एंड का सीडी में आएगा और यहाँ पर आएगा। फिर 82 में से मैं 5,000 और 2,000 माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना सब्सक्रिप्शन अमाउंट आ जाएगा, 75,000। तो सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट मैंने एक अलग से, इसके ऊपर वीडियो है, आप उस वीडियो में जाकर समझ सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। अब इस बेस पर हम क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यही सब्सक्रिप्शन का 75,000 यहाँ डाल दो। इस 75,000 को जब मैं यहाँ डाल दूंगा तो मेरी इनकम साइड स्टार्ट हो गई, जो कहाँ से आएगी, रिसिप्ट साइड से। रिसिप्ट का सब्सक्रिप्शन का काम मैंने सारा पूरा कर लिया। अब मैं नेक्स्ट आइटम डालता हूँ जो डोनेशन की है, 44,000। फिर मैं इससे नेक्स्ट डालता हूँ जो है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, 2,000। मैं और आगे चलता हूँ, जो एंट्रेंस फीस मुझे नीचे गिवन है इस क्वेश्चन में, 1,20,000, क्योंकि एंट्रेंस फीस भी रिवेन्यू नेचर है तो वो भी यहीं आनी चाहिए। तो ये सारी आइटम हमारी इनकम साइड की थी। अब जो बेसिकली हमें जाना है वो पेमेंट साइड में जाना है। पेमेंट साइड की जो सबसे पहली जो एंट्री है वो सैलरी की ली जाएगी, क्योंकि फर्नीचर एसेट है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आना। तो सैलरी 1,00,000 ली। सैलरी पर हमने देखा था कि बिगिनिंग के 6,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे, क्योंकि ये बिगिनिंग से है तो जैसे सब्सक्रिप्शन में ट्रीटमेंट होती है
माइनस होता है वो अमाउंट, ऐसे ही ये भी यहाँ पर माइनस होगा और मेरे 94,000 की सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। अब नेक्स्ट आइटम पेमेंट साइड से उठाते हैं, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑनरेरियम वो यहाँ डाल दी। बुक्स एक एसेट है क्योंकि बुक्स को मैं लंबे समय तक यूज़ करता हूँ तो ये यहाँ नहीं आएगी। अब देखा जाए तो क्या बचा मेरे पास, ये डेप्रिसिएशन बचा 10%। तो उसकी ट्रीटमेंट ये आ गई कि डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाना है आपको, 10% की रेट से। जो फर्नीचर मेरा ओपनिंग बैलेंस था उस पर मैंने पूरे साल उसका यूज़ किया तो 10,000 पूरे साल का आ गया। अब जो मैंने ये ख़रीदा है इस पर सिर्फ 4 महीने का आना है तो ये 1,20,000 पर 4 मंथ का डेप्रिसिएशन जो है 4,000 बैठता है। तो अब 10,000 जो पुरानी वाली मशीन फर्नीचर था उसका और 4,000 जो नया परचेज किया उसका, टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो गया, 4,000। अब ये 4,000 जो 14,000 है ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। 14 कैसे आया, 10 + 4 = 14, 14 डाल दिया। अब मेरा जो बेसिकली काम रह गया वो रह गया इस साइड का टोटल करना, क्योंकि बड़ी ये दिख रही है तो इसका टोटल पता चला 2,41,000 आया, 241 यहाँ पर आया। उसमें से जब मैं ये माइनस करूँगा तो मेरा इतना सरप्लस निकल कर आ जाएगा, तो 1,29,000 का मेरा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के हमें 4 मार्क्स दिए हुए थे, मार्क्स इसी के थे, ठीक है। ये मेरा वर्किंग नोट है, ये सब मार्क्स इसी के थे, तो इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था। अगर आपने थोड़ा सा भी प्रॉपर वे में सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट पढ़ रखी है तो बाकी कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं थी। फर्नीचर पर आपको सिर्फ यहाँ पर टाइम याद करना था, बाकी कुछ इस क्वेश्चन में ऐसा स्पेशल नहीं था, इसीलिए 4 मार्क्स का था क्वेश्चन। हम अपने आज के टॉपिक को कुछ और आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार टाइप से है, पूरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन साथ में रहेगा और हम सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ये आज का हमारा जो दूसरे टाइप से हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं वो ये है। क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, तो जो कल क्वेश्चन हमने लिया था कल की वीडियो में, लगभग लगभग सेम सी ही फिगर है। फिगर में डिफरेंस है, आइटम एक दो हट गई हैं, ठीक है, बाकी लगभग लगभग कल वाला क्वेश्चन है। तो आप अगर दोनों वीडियो को एक दूसरे से कोरिलेट करोगे तो आसानी से समझ लोगे कौन सी टाइप ज़्यादा ईजी है। तो एक बार क्वेश्चन को स्टडी कर लें फिर हम टाइप देखेंगे कैसे है। सबसे पहले हम अपनी रिसिप्ट को देखते हैं, बैलेंस दिया है कैश का है, बैलेंस दिया है कैश का है, वहाँ पर कैश एट बैंक भी था या नहीं है, कोई बात नहीं, जो है उसको याद रखना है। सब्सक्रिप्शन 52 दी हुई है, एडजस्टमेंट है इस पर नीचे देखेंगे अभी। एंट्रेंस फीस 5,000, टूर्नामेंट फंड 26,000, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,000, लेगेसी 37,000 और टोटल 1,31,000। पेमेंट साइड में आए तो सैलरी 15,000, बिलियर्ड टेबल एक एसेट है 20,000, ऑफिस एक्सपेंस 6,000, टूर्नामेंट एक्सपेंस 31,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट 40,000 और बैलेंस कैश का। तो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान लगाऊं तो मुझे सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि अगर टूर्नामेंट फंड है तो ये तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, यहाँ इससे उल्टा हो रहा है और उसका रीज़न क्या है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में मैंने सिखाया था आप लोगों को कि ये देखो ये 26 है, ठीक है, और एक्सपेंस कितने हैं टूर्नामेंट के 31, तो बैलेंस नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं होता, ठीक है। तो अब ये फंड होते हुए भी हमारे बैलेंस शीट में इसको रिप्रेजेंट हम नहीं करेंगे, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा ये, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। 31 में से 26 माइनस करेंगे और 5,000 का एक्सपेंडिचर वहाँ पर शो कर देंगे, बस ये एक अलग था, कल के क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, एक ये चेंज आया, ठीक है, बाकी कुछ स्पेशल चेंज नहीं है, बाकी वही सारी चीज़ें हैं। एडिशनल एंट्रीज भी लगभग लगभग वही है, नाम चेंज हो गया, वहाँ फिक्स डिपॉजिट था या इन्वेस्टमेंट हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन 2000 आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग एंड है। साथ ही ये भी बताया कि 31 मार्च 2018 को सब्सक्रिप्शन 3000 आउटस्टैंडिंग है, दैट्स मीन्स ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है।
तो दो टाइप की सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग ऐड होगी और ओपनिंग माइनस होगी। सैलरी बताइए आउटस्टैंडिंग है एंड वाली, क्योंकि ये एंड वाली है तो ये क्या होगी, प्लस। ठीक है, अब बताया कि क्लब के पास जब साल शुरू हुआ तो क्या क्या था, बिल्डिंग थी 75,000 का, कि फर्नीचर था 18,000 का, 12% इन्वेस्टमेंट थी 30,000 की, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे 30,000 के। तो यहाँ आप लोगों को दिखेगा कि 12% इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग से मेरे पास है। जो कल की वीडियो में क्वेश्चन किया था वहां पर फिक्स डिपॉजिट परचेज किया था साल के बीच में, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पूरे साल का इंटरेस्ट मुझे देखना है। पर देखता हूँ रिसिप्ट साइड में तो मुझे वो इंटरेस्ट दिख नहीं रहा, दैट्स मीन्स 12% इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट की आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो वो एक्रूड इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, जिसको मुझको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 के हैं, डेप्रिशिएशन चार्ज करना है किस किस पर, बिल्डिंग पर, फर्नीचर पर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। तो ये जब भी वहाँ पर भी ऐसा ही था, 10% की रेट से करना है और इंक्लूडिंग परचेज करना है। एक चीज़ और चेंज हुई कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा गया पर बेचा नहीं गया, तो बेचने वाला आइटम यहाँ से हट गया कल वाले क्वेश्चन से, थोड़ा ये इस तरीके से भी अलग हो गया। अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनानी है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की। फॉर्मेट हमने बना लिया उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, क्योंकि सबसे पहला काम मेरा इसी को होता है। अब मैं शुरुआत करता हूँ। शुरुआत जो हम करते हैं वो अपने सब्सक्रिप्शन से करते हैं, क्योंकि रिसिप्ट साइड में सबसे पहले लेता हूँ, वही मुझे सबसे सिंपल लगता है। सब्सक्रिप्शन को उठाया, 52,000 रुपये यहाँ लिख दिए। दो मेरे पास सब्सक्रिप्शन हैं आउटस्टैंडिंग, एंड वाले 2,000 प्लस हो गए और बिगिनिंग वाले 3,000 माइनस हो गए। अल्टीमेटली मेरे पास सब्सक्रिप्शन कितने की आ गई, जो मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखानी है, 51,000 की, वो हमने शो कर दी। नेक्स्ट आइटम पर पहुंचते हैं तो वो एंट्रेंस फीस है, 5,000 दिखा दिया। ठीक है, टूर्नामेंट फंड नहीं आएगा। ठीक है, वो वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर में, बाद में देखेंगे। सेल ऑफ न्यूज़ पेपर आएगा, लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। तो वो सिर्फ वही था, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो कितना था, 30,000 का 12%। तो 12 3 जा 36, तो कितना इंटरेस्ट आ गया, 3600। इस तरीके से इनकम साइड हमारी पूरी होती है। इनकम में यही आइटम्स थी। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और अपनी पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट साइड में सबसे पहले सैलरी है कितनी, 15,000 की, वो लिख दी हमने यहाँ पर। अब इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो इसके अंदर प्लस कर देंगे, 16,500 की सैलरी हो गई हमारी। नेक्स्ट आइटम पर पहुँचते हैं, बिलियटेबल एसेट है या नहीं आएगी, कैपिटल पेमेंट है। ऑफिस एक्सपेंस आएगा, लिख दो, 6,000 लिख दिया। टूर्नामेंट एक्सपेंस वाली जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर आएगी, रीज़न उसका क्या है, फंड मेरे पास कम है, तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे हम। टूर्नामेंट एक्सपेंस लिखेंगे, उसमें जो टूर्नामेंट फंड है वो माइनस करेंगे और इतना एक्सपेंस मेरे पास रह जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आता है, वो नहीं आ सकता किसी भी हालत में, बैलेंस भी नहीं आता। तो अब क्या रह गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालने के लिए, वो सिर्फ डेप्रिशिएशन रह गया। तो अब डेप्रिशिएशन की ट्रीटमेंट सीखते हैं। डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन लगाना शुरू करते हैं। पहले समझना है तो समझते हैं। सबसे पहली जो आइटम हम लेंगे, यहाँ पर देखो 75,000 की बिल्डिंग दी है, बिल्डिंग 75, 10% का डेप्रिशिएशन कितना बैठा, 7,500 रुपये, ये लिख दिया, बिल्डिंग आ गया 7,500। अब नेक्स्ट आइटम उठाते हैं, वो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो आप देखोगे कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 की यहाँ है, 40,000 की यहाँ परचेज करी, 30 + 40 कितना हो गया, 70 का 10% निकाला तो 7,000, उसको लिख दिया। अब नेक्स्ट फर्नीचर पर चलते हैं। फर्नीचर देखो कितने का है, 18,000, परचेज हुई नहीं तो इसी 18 पर लगाना है, 18,000 का 10% 1800, ये लिख दिया और इनका टोटल कर बाहर लिख। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अब मेरा पूरा हो गया, तो अब मुझे देखना है कि मुझे सरप्लस है या डेफिसिट है। ये साइड बड़ी दिख रही है, पहले टोटल किया, वही टोटल यहाँ आ गया।
इसका टोटल किया और इसमें से ये माइनस कर दिया तो मेरा सरप्लस आ गया, जो कितना आया 16,800। ये आपको याद रखना है कि 16,800 सरप्लस है, क्योंकि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये स्लाइड हमारी नहीं खुली होगी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अपने जो क्वेश्चन को कंप्लीट करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़कर हम सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके लिए फिर हम क्वेश्चन अपना साइड में रखते हैं। कल ऐसा नहीं हो पा रहा था तो आज हमने उसको लिया है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है और सबसे पहले हमारे पास पूरा क्वेश्चन हमारा होना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट साइड आई, पेमेंट साइड आई और ये एडिशनल एंट्रीज आई। अब याद रखना कि बैलेंस शीट बना रहे हो तो सिर्फ कैपिटल चीज़ों को लेना है, कैपिटल रिसिप्ट इधर जो जो हैं, कैपिटल पेमेंट इधर जो जो हैं, ठीक है, और जो एडजस्टमेंट में दी हुई हैं वो लेनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम दोनों फॉर्मेट, एक ओपनिंग का फॉर्मेट और एक क्लोजिंग का फॉर्मेट। आज क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है तो हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे पूरा। तो ओपनिंग में सबसे पहले डालो कैश इन हैंड, कहाँ से आएगा, यहाँ से 10,000 आ गए। नेक्स्ट आइटम नीचे ढूंढो, 1 अप्रैल 2018 को आपके पास क्या क्या है, 75 की बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो आइटम आपके पास है वो फर्नीचर 18 का। नेक्स्ट आइटम आपके पास 12% इन्वेस्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30 का। नेक्स्ट आइटम 12% इन्वेस्टमेंट 30 की, ठीक है। और इसके अलावा इस तरफ आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है, देखो ये रही, ठीक है। तो 31 मार्च 2018 को जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 3000, वो भी यहाँ पर आएगी। और इस बेस पर हमारा एसेट साइड का टोटल आ जाएगा और जो एसेट साइड का टोटल होगा वही मेरा क्या होगा, कैपिटल फंड। तो इस तरीके से हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली। आज हमारे लिए आसान था क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन था, तो आज हमने इस तरीके से पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाना सीखा और कैपिटल फंड निकालना सीखा। आगे बढ़ते हैं, अब क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कैश इन हैंड लेते हैं, ये रहा 19,000, वो डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब पेमेंट साइड में ही हमें ढूंढनी है। तो आप ढूंढोगे तो बिलियर्ड टेबल दी हुई है, तो बिलियर्ड टेबल आ जाएगी। बिलियर्ड टेबल के बाद अगर हम देखें पेमेंट साइड में तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आता है, उस पर नीचे भी एडजस्टमेंट थी, वो उसको याद रखना है। तो उससे पहले हम बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डालते हैं सबसे पहले, जो 12% इन्वेस्टमेंट है, 12% इसके आगे लगा लेना, मैं इसको लगाना थोड़ा छूट गया मुझसे, इसको आप याद रखना कि 12% लगेगा। कितने की है वो, 30,000 की। अब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अभी आपने पीछे देखा था कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट का, कितना था वो 3600, क्योंकि 12% था और 30,000 का, तो वो यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट एसेट ही बचती हैं, अब इस तरफ हम एसेट्स को लेना शुरू करते हैं। पहली फर्नीचर, फर्नीचर पे आपको याद रखना है कि देखो फर्नीचर अल्टीमेटली नीचे कितने का है, 18, खरीदा हमने यहाँ है नहीं, तो इस पर हमने सिर्फ क्या लगाया था, डेप्रिसिएशन। कितने का था, 18,000 का 10%, तो कितना होता है 1800, उस 18,000 में से 1800 को माइनस कर दो, जो फिगर आए उसको यहाँ पर लिख दो। नेक्स्ट पर उठाते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग 75 की है, बिल्डिंग को भी मैंने परचेज नहीं किया, तो 75,000 पर भी 10% डेप्रिसिएशन हमने लगाया था 7,500, वो माइनस कर दिया तो हमारा अमाउंट आया 67,500। नेक्स्ट एसेट उठाते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नीचे भी है और परचेज भी की है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30 की थी, 40 की परचेज की, तो 30 और 40 कितना हो गया 70। अब उस 70 पर 10% हमने क्या लगाया था, डेप्रिसिएशन। तो 70 पर 10% अगर डेप्रिसिएशन लगाएं और उसको माइनस करें तो हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बचती है 63 की। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, अब क्या रह गया, ये सब्सक्रिप्शन रह गई आउटस्टैंडिंग, तो अब इसको लिख दिया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट, 2000। तो इस तरीके से एसेट साइड हमारी पूरी हो गई। अगर हम एसेट साइड का टोटल करें तो वो 2,21,300 आता है। ये पूरा हुआ। अब जो ये कैपिटल फंड है, लायबिलिटी में सबसे पहले ये ही आएगा, लिख दिया। अब इसके अंदर जाओ कैपिटल पेमेंट, इसमें जाओ रिसिप्ट में, देखो क्या क्या प्लस होता है, तो आप पाओगे इसमें लेगेसी प्लस होती है 37,000, प्लस कर दी। अब वो जो सरप्लस हमने निकाला था वो सरप्लस भी कैपिटल फंड में ही एड होता है,
उसको भी ऐड कर दो 16,800, इनका टोटल किया तो वो आया 2,19,800। यहाँ पर सिर्फ अब एक आइटम बची है, अगर आप उसको ढूंढ पा रहे हैं तो वो है सैलरी आउटस्टैंडिंग की। सैलरी आउटस्टैंडिंग है लास्ट में, तो तुम्हारी लाइबिलिटी है, ये पे करना है आप लोगों को, ये आइटम आ जाएगी। और इस तरीके से अगर इसका टोटल अब आप करोगे तो वो एसेट साइड के इक्विवेलेंट आ जाएगा 2,21,300। तो ये था आज का टाइप, जिस टाइप से मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को रखा। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूरा कर सकता हूँ। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप ये दोनों टाइप से एटलीस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना 100% सीख चुके होंगे। मुझे आप जब ये वीडियो देखें तो कमेंट कर ये ज़रूर बताना कि आपको कल की वीडियो से या आज की वीडियो से कौन सी वीडियो से इजीली समझ में आया। ये दोनों ही टाइप में अब आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हर तरीके से पूरा हो गया। सब्सक्रिप्शन की सारी ट्रीटमेंट हमने इसमें कर ली, जितने भी टाइप की सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट थी, क्योंकि हमने वो भी कर लिया, मेंबर वाला भी क्वेश्चन विदाउट मेंबर भी कर लिया, ठीक है, टूर्नामेंट फंड दोनों जगह वाला कर लिया, नेगेटिव आय तो कैसे किया जाता है, पॉजिटिव आय तो कैसे किया जाता है, तो वो भी हमारा कवर हो गया। फिक्स डिपॉजिट पर, फिक्स डिपॉजिट अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे रखा हो तो कैसे ट्रीट करना है, और अगर वो ही एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो कैसे ट्रीट करना है, ये भी हमने पूरी तरह से सीख लिया। तो लगभग लगभग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना और बैलेंस शीट को बनाना हर टॉपिक को मैंने इस पूरी वीडियो में, कल की में और आज की वीडियो में कवर कर लिया। पूरी उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करोगे और पूरे 10 मार्क्स आप लेके आओगे पेपर में। जब भी CBSE नेक्स्ट ईयर पेपर होंगे तो आप मार्क्स को पूरा लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप अच्छे ढंग से घर में पढ़ते रहिए और लॉकडाउन का पूरा पालन करिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।